150 वाट या फिर 185 वाट के दो सोलर पैनल के ऊपर एसी या पूरे घर का लोड चल सकता है या नहीं, ये वो सवाल है जो आप में से बहुत सारे भाई मुझे व्हाट्सएप मैसेज के अंदर भी पूछते हैं और कमेंट सेक्शन में भी पूछते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको 150 या 185 वाट के सोलर पैनल की मुकम्मल हकीकत बताने वाला हूं और इन दो सोलर प्लेटों के ऊपर क्या कुछ चला सकते हैं, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में होने वाला है। काइंडली इस वीडियो को आप कंप्लीट लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। तो प्यारे दोस्तों, बहुत सारे भाइयों का ये सवाल मुझे व्हाट्सएप मैसेज और कमेंट सेक्शन में आता है कि उस्मान भाई हमारे पास दो सोलर प्लेटें हैं, काइंडली आप ये बता दें हम मैक्सिमम इनके ऊपर क्या कुछ चला सकते हैं, या फिर हम सोलर लगाना चाहते हैं, हमें 150 वाट के दो सोलर पैनल के ऊपर बता दें कि भाई हम किन किन चीजों को इसके ऊपर चला सकते हैं। एक भाई ने तो यह भी पूछ लिया कि उस्मान भाई आया कि दो सोलर प्लेटों के ऊपर हम एसी भी चला सकते हैं या नहीं, या फिर हमारे 3-4 पंखे हैं, 2-4-5 लाइटें हैं और 1 फ्रिज है, ये हमने चलानी है, तो इसका भी बता दें कि ये 150 वाट के दो सोलर पैनल के ऊपर चल सकते हैं या नहीं। तो भाइयों, आपके इतने सवाल आए हैं, इतनी दफा आपने पूछा कि मैं मजबूर हो गया हूँ कि यार इसके ऊपर एक डिटेल के साथ वीडियो बना ही दूं, ताकि आपको अंदाजा हो जाए, पता चल जाए कि भाई आप इन दो प्लेटों के ऊपर क्या कुछ चला सकते हैं और क्या कुछ नहीं चला सकते। वीडियो पर मजीद बात करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हैं और इसी तरह की सोलर के रिलेटेड वीडियोज देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जब भी इस तरह की न्यू वीडियो अपलोड हो सोलर के रिलेटेड तो आपको उसका नोटिफिकेशन बरवक्त मिल जाए। प्यारे दोस्तों, 150 वाट या 180-185 वाट के जितने भी सोलर पैनल होते हैं, ये 160 वाट के होते हैं या 200 वाट के होते हैं, ये तकरीबन सेम टू सेम होते हैं। इनमें सिर्फ और सिर्फ 19-20 का फर्क तो हो सकता है, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं होता। अगर आप इनके वोल्ट्स देख लें तो वो भी सेम होते हैं, अगर आप इनके एम्पियर्स देख लें, शॉर्ट सर्किट में देख लें या फिर पावर एम्पियर देख लें, तो वो भी सेम टू सेम होते हैं, उनमें भी कोई फर्क नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ इसकी एफिशिएंसी में थोड़ा सा फर्क हो सकता है, यानी कि जो 185 वाट का सोलर पैनल है वो 150 वाट के मुकाबले से थोड़ा ज्यादा एफिशिएंट हो सकता है, या फिर उसमें अच्छी टेक्नोलॉजी यूज की गई हो सकती है। तो सबसे पहले हम 150 वाट और 185 वाट की डाटा शीट को देख लेते हैं कि दोनों में कितने वोल्ट्स और कितने एम्पियर का फर्क आता है। 150 वाट की डाटा शीट के ऊपर आपको जो ओपन सर्किट वोल्ट्स मिलेंगे वो तकरीबन 20 मिलेंगे, अगर शॉर्ट सर्किट एम्पियर की बात कर लें तो वो आपको तकरीबन 7 या 7.5 या 8 एम्पियर मिलने वाले हैं। और वहीं पर अगर हम इसके पावर वोल्ट्स की बात कर लें तो वो जनाब आपको मिलने वाले हैं 16 से 17, और अगर एम्पियर की बात कर लें तो 6 या 6.5 एम्पियर से ज्यादा आपको पावर एम्पियर नहीं मिलने वाले। बात कर लेते हैं 185 वाट की, तो उसमें आपको ओपन सर्किट वोल्ट तकरीबन 21 से 22 मिल जाएंगे, और अगर शॉर्ट सर्किट एम्पियर की बात कर लें तो वो आपको तकरीबन 8.5 से 9 एम्पियर तक मिल जाएंगे। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो भाई हमें इतने एम्पियर देखने को नहीं मिलते, 7 या 7.5 एम्पियर तक शॉर्ट सर्किट एम्पियर में आ जाते हैं। वहीं पर अगर पावर एम्पियर की बात कर लें तो 150 वाट और 185 वाट के अगर आप पावर दोनों के ऊपर कुछ ना कुछ चला के देखें तो आपको सेम टू सेम ही दोनों के ऊपर पावर मिलने वाली है, कुछ ज़्यादा खास फर्क आपको नहीं मिलेगा। अब अगर 150 वाट के दो पैनल लेते हैं तो वो तकरीबन शीट के मुताबिक ही तो 300 वाट हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो भाई 200 वाट से ज्यादा नहीं होते मैक्सिमम पीक टाइम में। वहीं पर अगर 185 वाट के दो सोलर पैनल की पावर को देख लें तो शीट के लिहाज से, जो कि उसकी पैनल की बैक साइड के ऊपर लगी होती है, उसके लिहाज से तो वो तकरीबन 370 वाट का है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल लिहाज से देख लिया जाए तो वो भी 210 20 वाट से ज्यादा का नहीं बनता। तो अब बात कर लेते हैं इन दोनों के ऊपर आप क्या कुछ और कितना देर चला सकते हैं, और आपको ये क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप इसके ऊपर क्या कुछ चला सकते हैं। तो पहले 200, अगर 150 वाट के दो सोलर पैनल लेते हैं तो वो 300 वाट शीट के लिहाज से बनते हैं, प्रैक्टिकल देखा जाए तो वो 200 वाट से ज्यादा नहीं देने वाले। तो इसी तरह आप इसके ऊपर पीक टाइम में, यानी कि जब 12 बजे का टाइम आ जाता है, तो 200 वाट का एक आप फैन चला सकते हैं, और वो भी डीसी फैन, क्योंकि ये डीसी आउटपुट देते हैं, एसी नहीं देते, यानी कि वो वाली आउटपुट नहीं है जो आप वापडा से इस्तेमाल करते हैं, वापडा के ऊपर आप वापडा वाले फैन यूज करते हैं, वो वाले फैन आप इसके ऊपर डायरेक्ट नहीं चला सकते। इसके ऊपर आप सिर्फ और सिर्फ डीसी फैन चला सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप 12 वोल्ट वाले एयर कूलर चला सकते हैं, आप 12 वोल्ट वाले फैन चला सकते हैं, लाइटें चला सकते हैं, आप अपनी बैटरी चार्ज कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कि भाई अगर आप एक एयर कूलर चलाते हैं वो आपका कितनी देर चलने वाला है। तो पहले 200, अगर आप प्लास्टिक वाला 12 वोल्ट का एयर कूलर लेते हैं जिसमें छोटी मोटर लगी होती है, ब्लिनो टाइप, आपने अक्सर देखी होगी,
तो अगर आप वो लेते हैं तकरीबन 100 वाट का एक कूलर होता है, उसका पंप और उसकी जो फैन वाली मोटर उसे मिला के। तो अब आप 100 वाट पीक टाइम में दो सोलर पैनल से आप चला सकते हैं और 100 वाट से आप अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। आपकी बैटरी जो है वो साथ के साथ चार्ज होती रहेगी, आपका फैन भी चलता रहेगा, बैटरी भी चार्ज होती रहेगी, तो आपको ज्यादा टाइम मिल जाएगा। ये नहीं होगा कि आप रात को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका सोलर पैनल ज्यादा एफिशिएंट होगा, वो बैटरी को ज्यादा अच्छे तरीके से चार्ज करेगा। आप अपने कूलर को दिन में कम इस्तेमाल करते हैं तो रात को भी अगर आप बैटरी बड़ी लगाते हैं तो पूरी रात भी आप कूलर इजीली चला सकते हैं, अपना फैन इजीली चला सकते हैं। तो बात कर लेते हैं इन दो सोलर पैनल्स के ऊपर आप एसी चला सकते हैं या नहीं। प्यारे दोस्तों, अगर एयर कूलर के लिहाज से आप एसी कह रहे हैं तो वो तो आप चला सकते हैं, यानी कि एयर कूलर वाला जो पंखे वाला कूलर होता है वो तो आप उसे अगर उसका एब्रिवेशन देखें वो भी एसी बनता है, वो वाला एसी तो आप चला सकते हैं। तो अगर आप ये पूछते हैं कि वो एयर कंडीशनर यानी कि जो दीवार पे लगने वाला एसी है वो चलाना है, तो प्यारे दोस्तों वो तो आप नहीं चला सकते 150 वाट के दो सोलर पैनल के ऊपर, 185 वाट के दो सोलर पैनल के ऊपर, क्योंकि वो अगर एक टन का भी आप इन्वर्टर एसी लेते हैं, इन्वर्टर एसी सादा एसी नहीं इन्वर्टर एसी, तो वो भी तकरीबन 1500 से 1600 वाट का होता है और वापडा वाली उसे बिजली चाहिए। अब वापडा वाली बिजली के लिए आपको एक सोलर इन्वर्टर चाहिए जो आपके सोलर पैनल की पावर डीसी पावर को एसी में कन्वर्ट करके आपके एयर कंडीशनर को चला दे, एसी को चला दे। तो प्यारे भाइयों, उसके जो आप सोलर इन्वर्टर लेंगे उसके ऊपर बड़े वाले सोलर पैनल लगते हैं जो कि एयर कंडीशनर को चलाने के लिए होते हैं। बड़े वाले यानी कि 550 वाट या 600 वाट के या 450 वाट के आप सोलर पैनल लगा सकते हैं, तो उसके ऊपर आपका इन्वर्टर स्टार्ट होगा। तो इन्वर्टर को भी स्टार्ट होने के लिए कम से कम आप 450 या 550 वाट के कम से कम 400 पैनल लगाएंगे। 150 वाट तो बहुत दूर की बात है, अगर आप 150 वाट के लगाना चाहते हैं उसके साथ तो वो भी तकरीबन आपको कम से कम 15 या 16 सोलर पैनल लगाना होंगे 150 वाट के, तब जाके आपका जो इन्वर्टर है 3 किलो वाट का या 4 किलो वाट का वो चलने वाला है, सोलर को एक्सेप्ट करने वाला है। अगर आप उसे कम लगाते हैं तो भाइयों आपका सोलर एक्सेप्ट नहीं होगा, ना ही आपकी जो पावर है वो जनरेट हो पाएगी एसी को चलाने के लिए। अदरवाइज आप और चीज़ें चलाना चाहते हैं, अपने फैन चलाना चाहते हैं, आप अपनी लाइटिंग चलाना चाहते हैं, फ्रिज चलाना चाहते हैं, तो वो इजीली चल जाएंगे, लेकिन एसी को चलाने के लिए आपको ज़रा पावर ज़्यादा चाहिए होती है। तो प्यारे दोस्तों, 150 वाट या 185 वाट के सोलर पैनल, दो सोलर पैनल के ऊपर आप अपना एसी बिल्कुल नहीं चला सकते। हाँ, अगर आप एयर कूलर वाले एसी की बात करते हैं तो वो तो आप लाजमी चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको एक बैटरी लगाना होगी, एक सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाना होगा जिसके साथ अपनी बैटरी को भी चार्ज करेंगे, आप अपने एयर कूलर को भी चलाएंगे, सारा दिन आपका एयर कूलर भी चलता रहेगा और आपकी बैटरी भी चार्ज होती रहेगी, फिर जितनी बैटरी चार्ज होगी उतना टाइम आप मगरिब के बाद भी गुजार सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा था या आप जो मुझसे इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे थे वो आपको मिल गई होगी। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई तो आप व्हाट्सएप में भी मैसेज कर सकते हैं, इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।